अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो सबके उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइस, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जो के थी मेरे पुराने वीडियोस के क्लिप्स, जो आपको बहुत पसंद आए थे। उसका सेकेंड पार्ट आप लोग मांग रहे थे, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सारे के सारे ऑल माइक को जो चैलेंज हुए थे, वो जो फाइट आपका अनोनिमस जीता था, वो वाले पार्ट्स हैं। तो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं, लाइक कर देना। वैसे तो आपसे बहुत से लोगों ने देख रखे होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखे वो भी देख लेंगे। तो ऑल माइक पे जो चैलेंज थे वो सब आपको सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, मज़ा आएगा। और जहाँ तक बात है पबजी की अपडेट की, तो गाइज पबजी की अपडेट के बारे में ये कहूँगा कि काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है, और पहले सुनने में आ रहा था जल्दी से अनबैन हो जाएगी, लेकिन अब टाइम लगने वाला है और 3 वीक्स मैक्सिमम बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह अनबैन हो जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो इन्जॉय करो, लाइक कर देना। अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज कोई सस्ती शायरी बन नहीं रही थी, तो हमने कुछ अजीब ही बना दिया, तो प्लीज़ मुलाहिजा कीजिएगा। अर्ज़ किया है कि अगर चड्डी होती बीवी तो उसका शौहर होता चड्डे। वाह 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 वाह, चड्डी जो हम पहनते हैं। अगर चड्डी होती बीवी तो उसका शौहर होता चड्डे, आज है मेरा हैप्पी बर्थडे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरी 21 ईयर का हो गया हूँ मैं। हाँ, 21st हैप्पी बर्थडे आज मेरी। तो बस दुआओं में याद रखिएगा, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, दुआएं कीजिएगा मेरे लिए। पता नहीं मैंने कितने लोगों का दिल दुखाया, आप लोग का भी काफ़ी बार जाने अनजाने में मैंने दिल दुखाया होगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो आपको कभी भी। तो बस इस मैच में गाइस ऑल पे होता है चैलेंज, जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। तो भाई सबको बोलते हैं कि आ जाओ सारे पाकिस्तानी जॉर्जो पुल, तो हम तो भाई दिल से पाकिस्तानी हैं, हम जाएंगे जॉर्जो पुल। ऐसा चैलेंज हो कि पाकिस्तानियों को जॉर्जो पुल बुलाया जाए तो हम वहाँ ना जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं कुछ कह नहीं सकता कि किसने चैलेंज दिया था, नेपाली भी थे हमारे भाई लोग और इंडियन भाई भी हमारे थे जो जॉर्जो पुल में मुझसे फ़ाइट कर रहे थे, और हमारे पाकिस्तानी भाई भी थे। तो मैं कुछ कह नहीं सकता किसने चैलेंज किया था, बट हम लोग जाएंगे। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा गाइस, अगर मेरी किसी बात से कभी भी आपका दिल दुखाओ ना, आज मेरी सालगिरह, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर देना। और आप लोग इतने प्यार के लिए दिल से शुक्रिया, बस और कुछ नहीं कहना। लव यू सो मच, दिल से रिस्पेक्ट। तो बाबा जी सोलो स्क्वाड खेल रहे थे हम, और जॉर्जो पुल में साथ साथ बोलूँगा, लेकिन मतलब हमने इसका निक नेम रखा है जॉर्जो, कोई नहीं मिटा सकता सालों से दिमाग में, हम निक नेम रखते हैं सब सिटीज़ के। तो हम जा रहे थे लाहौर बाबा जी, और पैराशूट इतने ज़्यादा खुले थे ना कि ज़िंदगी खतरे में आ गई थी हमारी, बट हम अकल इस्तेमाल करेंगे, कोई बात नहीं। और मुझे ना एक लड़की थी हमारी हमारी ना उसकी लाइक कमेंट आया था एक फ़ीमेल प्लेयर का, एक फ़ीमेल पाकिस्तानी, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ अपनी पब्लिक में से इंस्टा पे, हाँ हमारी एक आर्मी का अनोनिमस की पब्लिक का एक फ़ीमेल थी, उनका मुझे इंस्टा पे कमेंट आया कि आप वो जो बोलते हो ना डायलॉग कि मौत कुछ हुआ टक से वापस आ गया, वो नहीं बोलना चाहिए आपको। तो बस मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, मैं वो डायलॉग कम कर दूँगा, बट ना हम लोग बोलते हैं एंटरटेनमेंट के लिए कि मौत कुछ हुआ टक, वो सिर्फ पबजी गेम में। बाकी आपको लाइक नीयत जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, कि आप किस नीयत से बोल रहे हो। तो बस हमारी ऐसी कुछ नीयत नहीं होती सिर्फ एंटरटेन करने के लिए, तो मैं डायलॉग कम कर दूँगा। तो बाबा जी उसके बाद हमारी फाइट होती है पाकिस्तानी स्क्वाड से हमारे भाई लोग, और अभी जोकर भैया आए हैं, इनसे फाइट लेंगे हम। हेलो, ऐसे कैसे बाबा जी, अकल इस्तेमाल की वाला स्क्वाड किया हमने वाइप। अरे हमारे बॉट भैया थे मेरे ख्याल कॉन्करर के प्लेयर बाबू भैया, तो हम इनकी करेंगे मजे से लूट अब। और आज हम आपको मिनी और एटेक्स चला के दिखाएंगे गैस। मुझे आप बताना कि मैं मिनी एटेक्स कैसे चलाता हूँ। ये हमारे बाबू भैया आ गए थे, इनको मारा। अगर आपको मेरा मिनी एटेक्स पसंद आया ना तो मैं और मैचेस में चलाऊंगा, तो आप मुझे ना बताना कि मिनी और एटेक्स कैसे चलाता हूँ, मैं कमेंट्स देखूंगा, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है मैं और गेम्स में मिनी और एटेक्स चलाऊंगा। अब सामने अलग स्क्वाड था गाइस, ये भाई हमारे लूट कर रहे थे, तो इसको हमने अपने भाई को नॉक किया, और आगे जाएंगे। गंदी कवर मिली भाई उनको, और हमारे पिछवाड़े में गोलियाँ लग चुकी हैं। फर्स्ट एड लगाएंगे बाबा जी, चैलेंज हुआ तो कैसे भी करके अपने ससुराल से जिंदा निकलना है, अपने लाहौर से। हमने पिंडी बॉय लाहौर में आया, लाहौर से जिंदा निकलना चाहता है। नेट किया गया हमने, और इससे शायद डैमेज होगा भाई को, बट भाई नॉक नहीं होते, और ये काफ़ी अच्छा क्लैन था पाकिस्तानी।
यहाँ पे बुलेट लगती है, बट भाई मेरे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, और ऐसी जगह आके टीपी पे लेंगे कि उनके उनका पिछवाड़ा मुझे नजर आता है। ओहो हो। तो यहाँ पे हमने VOIDX नबील भैया को किया नॉक, और हम हील करेंगे। और इतनी देर में गए एक स्क्वाड इंडियन हमारे भाई लोग पीछे से थर्ड पार्टी करने आ जाएंगे, और मैं बीच में हो जाऊँगा सैंडविच। और यहाँ से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया था हमारे लिए, तो अब हम कैसे निकले वो आप ज़रा देखिए। यहाँ पे हमने नॉक किया और भैया फिनिश भी हो गए, और ये लोग शायद सिटी से लूट करके थर्ड पार्टी करने आ रहे थे। और जब मैंने लेफ्ट पे मतलब अभी अपने राइट पे बंदा जो मारा था वो उसी क्लैन का था, उसी उन्हीं का था वो, हमारे जो पाकिस्तानी स्क्वाड हैं VOID करके नबील भैया, वो भी नबील भैया रिवाइव हो जाएंगे। तो मैंने कहा अब उनसे फाइट नहीं लेता, पहले मुझे एक साइड क्लियर करनी पड़ेगी। तो बाबा जी हम जंप कर करके ना सामने जो थर्ड पार्टी स्क्वाड करने आया था इनको इनको मारने के लिए पहले जाएंगे, और वो पीछे वाला पाकिस्तानी स्क्वाड अभी बचा होगा। इन भाई का तो पिंग ही आ रहा था, इनको हमने यहाँ पे नॉक किया, इनकी लूट करेंगे फौरन से, इनके एक टीममेट बाकी हैं अभी। ओए होए 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 होए, ऐसे जंप कर करके आ रहे थे भाई, पहले मुझे लगा मीटअप है, मैंने मारा ही नहीं गाइस, और एकदम से देखा तो भाई इन्होंने जो ना गोलियां चला दी। गाइस एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, चलो मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा वो क्या है, अभी थोड़ी सी फाइट कर लें उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने नबील भैया को किया दोबारा से नॉक, और हम करेंगे आगे रश। अब इनके आएगा आखिरी बंदे बचे हैं, तो बाबा जी यहाँ पे हमने अपना चैलेंज मतलब पूरा किया और जिंदा बच गए। तो गाइस अभी तक जिसने लाइक बटन नहीं ठोका लाइक बटन ठोक दो, अल्हम्दुलिल्लाह 11 किल थे हमारे जब हम यहाँ से निकले और चैलेंज पूरा किया। अस्सलाम वालेकुम, तो हाय गाइस कैसे हो आप लोग, आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम आपको सस्ती है नहीं सुनाएंगे, बल्कि आज क्या हो गया गाइस, मैं गेम प्ले बनाने के लिए गया लॉबी में, और अभी मेरा टाइटल वगैरह लगा हुआ था, तो भाई जैसे जाएंगे ना प्लेन में चैलेंज हो जाएगा, और ऐसी गंदी गंदी लाइक जो लहजा था ना कहते हैं कि बोलने का तरीका वो बड़ा ख़राब था, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं लाइक एकदम चिल किया। ये देखो गाइस ये जो खड़े हैं ना मुक्के मार रहे हैं, ये लोग करेंगे, इन्होंने देख लिया था, और आप नाम देख सकते हो इन लोग के, ये लोग चैलेंज करते हैं। ओए एनोनिमस बात सुन, हेलो एनोनिमस ओ स्टार एनोनिमस वो खाच देरी कर दिए जो अंदर, हेलो वो परत गई परत गई, ओए अली अच्छा तू परत गया, ये ओदे नाल दा या अली कह सकते हैं। अभी तक लाइक बटन नहीं ठोका था, बहुत ही अच्छा गेम प्ले होने वाला है ये रिवेंज वाला, लाइक चैलेंज किया और वहाँ से चैलेंज को पूरा करके एंड तक जाना, एंडिंग आपको देखनी पड़ेगी कैसी है, ऐसा मज़ा नहीं आएगा, तो बहुत मज़े का होने वाला है इंशाल्लाह, आपको बहुत पसंद आएगा। तो सबके सब लाइक बटन ठोक दो, हम 25,000 लाइक्स का एम रखेंगे जो आप इजीली कर दोगे, तो प्लीज़ सबके सब लाइक बटन ठोक देना गाइस। उसके बाद हमने अपनी छिपकली उठाई और हम चाहते हैं सीधा पोचिंकी। अब पोचिंकी आपको क्या लग रहा होगा कि एनोनिमस स्क्वाड में जाएगा और वहाँ जाकर फाइट लेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, मैं जा रहा था बट यहाँ से बहुत ही गंदा हो गया ये ठुकी ना, हमारे इतनी कोई हालत ख़राब हो गई। फिर मैं कैसे ना कैसे बगी रोकी और यहाँ पे लेट गया, और लेट के बस मैं पत्ते पे पत्ता पत्ते पे दाना, अल्लाह पाक मुझे बचाना, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पता नहीं क्या क्या माइंड में चल रहा था कि बस बच जाऊं, मुझे इनसे नहीं मरना। अगर ये होते ना लाइक पॉजिटिवली बात करते कि स्टार एनोनिमस ठीक है भाई वगैरह कुछ भी ना बोलते, बट स्टार एनोनिमस आप आ जाओ ज़रा पोचिंकी आपको हम मारेंगे, लाइक पॉजिटिवली बात करते ना दुखना होता, बट इन्होंने भाई बड़ी रूडली बात की थी, तो बस मैंने इनके हाथों मरना नहीं था, इनका नहीं इनके हाथों नहीं मरना, इज्जत का सवाल है। और इन्होंने हमें बुलाया भी हमारे घर पोचिंकी पिंडी, पिंडी में तो नहीं मरेंगे, और फिर ये जंप कर गए थे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ।
मैंने यहाँ पे एक को फिनिश किया, दूसरे को करने वाला था, उसको कवर मिलने लग जाता और मेरी रीलोड पे लग जाती गन। तो मैं वापस से लेट जाता हूँ, आपको अब आपके सामने है हेल्थ और एकदम मैं ओपन में हूँ, उनके दो टीममेट और बाकी हैं, एक नॉक पड़ा है बट ये हो जाएगा रिवाइव और हमारे लिए काफ़ी ख़राब बात है। मैं स्मोक की फ़ौरन से फर्स्ट एड लगाया, लेकिन गंदी बात ये थी मेरे पास स्मोक भी नहीं थी, तो वापस आ जाता हूँ पीछे घर में। फॉल बैक करने के अलावा आपको पता है और कोई चांस नहीं था, फॉल बैक भी नहीं किया, मतलब फाइट लेने के लिए एक अच्छी कवर ले ली। और अब ये तीन के तीन बंदे बाकी हैं, इनका एक बंदा गाइस क्या करेगा फुल लेफ्ट से ना घूम के मेरे पीछे आ जाएगा, अब लाइक पता भी नहीं चलेगा कि वो इतने करीब से आएगा नहीं, इतना दूर से रोटेट मार के ना मेरे घर के पीछे आ जाएगा, और दो बंदे सामने से मुझ पर। तो ये वही हमारे भाई लोग थे जिन्होंने हमें हमारे घर में आके चैलेंज दिया था कि आओ ज़रा। तो यहाँ पे हमने इनको भी नॉक किया, SKT सर भैया को, यहाँ पे इनको करेंगे फिनिश। अभी दो बंदे बचे थे जिनमें से एक बंदा पूरा रोटेट करके मेरे पीछे आ जाएगा और एक बंदा सामने से करेगा रश और मुझे सैंडविच कर देंगे, और तकरीबन मुझे अच्छा सैंडविच करने में गाइस ये लोग कामयाब भी हो गए थे। लेकिन बाबा जी ऐसे कैसे हमारे घर में आके हमको मारोगे, ऐसे कैसे? मुझे था शक कि बंदा रोटेट कर रहा है बट कहाँ से कर रहा है, कहाँ है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था गाइस। और काफ़ी देर पर मैं इसी तरह देखता रहा कि कहाँ हैं वो लोग, और पीछे वाले ने आके एकदम से मुझे सरप्राइज़ कर दिया था, हमारी ज़िंदगी खतरे में आ गई थी, मौत के मुँह में आ गए थे। बट गाइस हम जब मौत के मुँह में आते हैं ना फिर टक से वापस भी आ जाता है। और उसके बाद मैं आराम से बैठ गया, पीछे से पड़ी आगे से पड़ी ज़िंदगी खतरे में आ गई, और फिर हमने कुछ ऐसे निकाला। अले 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 मेरा बाबू कहाँ भाग रहा है। तो गाइस जैसे इनका चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया था, आए पचिंग की उनकी बैंड बजाई, अल्हम्दुलिल्लाह मौत को छुआ, टक से वापस आ गए, और काफ़ी खुशी हुई थी मुझे लाइक मैं जब ये फाइट जीत गया था। तो सोलो था, इनको लग रहा था मैं पूरे स्क्वाड में आया हूँ बट मैं सोलो था, मेरे साथ कोई स्क्वाड मेम्बर नहीं था, ये पूरे चार लोग थे। और यहाँ पर जब हम सर्वाइव कर गए तो गाइस दिल से बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, बहुत अच्छा लगा था। बट लाइक अगर चैलेंज भी करना होता भाई लाइक ऐसे क्या करो कि सामने वाले को खुशी हो, ऐसे दुख लगा था ना, पता नहीं पंजाबी में कोई बुरी बात भी बोलती थी, मुझे समझ भी नहीं आया बोला क्या था, बट कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस कैसे आप लोग, आ गए मैं कॉल ब्रांड न्यूडी के साथ। सबसे पहले आपको सस्ती शायरी सुनाएंगे, तो क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, कि करोड़ों लोगों का रैंक पुश करवाया है जर्की ने, वाह 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 वाह, करोड़ों लोगों का रैंक पुश करवाया है जर्की ने। अगली लाइन हम सुनाएंगे आपको बाद में, पहले ये सुनो। पहली वाली लाइन बोलोगे, अर्ज किया है करोड़ों लोगों का रैंक पुश कराया है जरकी ने, साइलेंट की बेइज्जती कर दी लड़की ने, सस्ती शायरी विद एनोनिमस। बाबा जी कुछ ऐसा हुआ कि हमारे साइलेंट भैया ऑल पे गए, जाके कहते हैं कि मुझे कौन बुला रहा है, और हमारी बहन ने वहाँ से आवाज़ लगाई कि कोई नहीं, और साइलेंट की बेइज्जती हो गई। मैं इतना हंसा ज़ोर ज़ोर से, हा हा है ना गज थी ना बेइज्जती वाली बात, हमारी बहनों ने क्या आंसर दिया साइलेंट भैया की जब बैंड बज गए। उसके बाद हम यहाँ पर लूट करने आए थे जॉर्जपुर यानी अपने लाहौर, और यहाँ पे गाइस मुझे क्या मिलता है, दो दो M24 और K19 मिल जाएंगे, लेकिन मतलब दो दो बोल्ट एक्शन मिल जाती है। VSS लेके गया ये भाई, अंदर घूम रहे हैं, मुझे लगा ये वेयरहाउस क्रॉस करेंगे तो यहाँ से मार दूंगा, बट इन्होंने वेयरहाउस क्रॉस नहीं किया, यहीं पर आ गए थे, और उनके पास थी डबल बैरल। कितने तो लैग हो रहे थे ये भाई, जान निकल गई थी मेरी। ओके उसके बाद हमें M24 मिली, तो हम VSS की जगह M24 उठाएंगे, ठा करके हमारा हेडशॉट पे, और अब करेंगे इनकी लूट, जो कि कुछ हमें ज़्यादा अच्छा मिला नहीं। तो बाबा जी यहाँ आप देखोगे नो स्कोप हेडशॉट, ये वाला नहीं था, ओ हो अभी आएगा गाइस, माशाल्लाह ठोक दो गाइस लाइक बटन, सबके सब जाके दबा दो लाइक बटन। ऑल पे चैलेंज हो रहा था भाई कि जॉर्जपुल आना है, तो हम आ गए थे जॉर्जपुल, और यहाँ पर आके ना गाइस बहुत मेहनत मुशक्कत करनी पड़ी हमें, मैं आपको बताऊँ बहुत प्रॉब्लम्स आई, लाइक लूट नहीं थी, नॉक हो रहे थे, बंदे ज़्यादा थे, लेकिन बाबा जी टेंशन नहीं लिया करो, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है, टेंशन जो होता है अच्छे के लिए होता है, नाड़क अच्छे के लिए होता है, टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। और मैंने अपना ही डायलॉग उल्टा बोल दिया था, लॉल बाबा जी। फिर हम यहाँ रश करते क्योंकि एक बंदा नॉक था, दो बंदे थे यहाँ पे, एक नॉक है।
अब एक को तो मैंने डाउन किया, गौर से देखो, स्लो करके देखो, दोबारा पीछे जाकर देखो, एक बंदा लेटा हुआ था वहाँ पे, बैंड बजा दी उसने। अब देखो मतलब आप अपने अनोनिमस का लेवल देख रहे हो कि एक कार 98 और एक M24 लेके रश कर रहे हैं दो दो बंदों पे। फिर हमें यहाँ पे रिवाइव मिला। अब गाइस ऐसा सीन था कि एक स्क्वाड यहाँ पे बाकी था और हम लूट कर रहे थे ऊपर वाली साइड पे, आराम सुकून से एक साइड पर आकर लूट कर रहे थे। अभी एक स्क्वाड बाकी है, पाकिस्तानी स्क्वाड था वो। तो यहाँ पे साउंड आ रहा था लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था, तो थोड़ी खतरे वाली बात थी। तो इसलिए हम ना एक साथ ही थे कि अगर कोई नॉक होता है तो फ़ौरन से उसका टीममेट वहीं पे पास में होगा, इसलिए पास थे हम। तो उसके बाद हम लोग क्रॉस करते हैं। एमओ मेरे पास 7 की गन नहीं है लेकिन मैंने अपने टीममेट के लिए उठा ली थी एमओ, आप भी ऐसे ही किया करो। अब सामने वेयरहाउस में बंदा नजर आता टीममेट को मेरे, और वहाँ पे हम थोड़ा साइड पे आए थे और मुझे भी गोलियां पड़ने वाली हैं। अभी तक मुझे नज़र नहीं आया था, जब गोलियां पड़ी तब नज़र आया। आई गेस ये वही लोग थे जिन्होंने चैलेंज किया था, तो हम यहाँ पे रुके रहे और फिर हीलिंग वीलिंग नहीं थी टीममेट को, एमओ गिरा दी मैंने अपने साइलेंट भैया को। और अब हमने क्या प्लान किया कि मैं एम करके बैठूंगा वेयरहाउस पे क्योंकि मेरे पास 6x है और साइलेंट भैया हमारे रश करेंगे, और ऐसे ही हमने किया। जैसे वो बंदा बाहर निकला हमने फौरन से अपनी M4 6x को डाउन किया, ऐसे टीम वर्क करते हुए फिर हम आगे रश कर रहे हैं। या बॉट भैया हमारे बम में गोलियां मार रहे हैं, तो बाबा जी कुछ ऐसे हमने मौत कुछ हुआ और टक से वापस आ गए या कल इस्तेमाल करते हुए 1v3 कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे देखो लूट के भूखे भूखे नंगे टीममेट्स हमारे कैसे लूट कर रहे हैं, और ये हमारा लॉ फॉल। फिर जब मैं बोल रहा हूँ कि लूट उठा ली, फिर बताऊँ क्या गाइस क्या कहते हैं, कहते हैं आपका ही लॉ है, व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 लूट का, नो मजाक। फिर मुझे मेरा डायलॉग मुझ पर चिपका देते हैं और बच जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे गाड़ी आई थी लेकिन ये एनोनिमस की पब्लिक थी, ये मीटअप वाले भाई लोग थे हमारे, तो हमने इनसे मीटअप किया और फिर बोला भाई लास्ट में मिलेंगे प्लीज़। पहले हमने गपशप लगाई, लेकिन गाइस ऐसा होता है ना कि अगर बंदे होते तो फिर कन्फ्यूजन हो जाती, तो मतलब हमने बातचीत की और फिर लास्ट में मिलने का प्रॉमिस किया। हेलो एनोनिमस भाई लूट के चक्कर में ना समझ नहीं आया बंदे ने ना मारना भी यार। मेरा नाम नोट कर लो उस्मान आगा टाइम से, ये नोट कर लेना। और मेरा AS123AA। तो बस मैं चला गया और फिर जो यहाँ पे हुआ वो आप सबको अच्छे से पता है, लेकिन मैंने अपना फर्ज अदा किया, मैं जोन का डैमेज लेके मर गया। मैंने कहा भाई आप लोग को चिकन मिलना चाहिए, तो बस यहाँ जोन का डैमेज लिया और फिनिश हो गया। और हमारी पोजीशन आई थी 3rd आई थी आई गेस। और यहाँ पे भाई उम्मीद करता हूँ आपकी यादें ताज़ा हो गई होंगी, आपको मज़ा आया होगा। तो अगर मज़ा आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना। अगर आप मुझे रियल लाइफ में देखना चाहते हो और फॉलो करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे अनोनिमस 360 वाले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना गाइस, दुआ में याद रखना। लव यू अनोनिमस की पब्लिक। अल्लाह हाफिज़।